इस बार कर्तव्य पथ पर दिखेगी। मेजर शैतान सिंह की विरासत, जाने कौन थे बहादुर मेजर जिनकी पोती भी कर रही देश सेवा। चीन के 2000 सैनिक हथियारों और गोला बारूद से लैस दुश्मन, भारत के सिर्फ 120 जवान। इस लड़ाई में मेजर शैतान सिंह मोर्चे पर तैनात थे, गोलियों से दुश्मनों को जवाब दे रहे थे, अपने जवानों का हौसला भी बढ़ा रहे थे। उनके हाथ में गोली लगी, साथियों ने पीछे हटने को कहा, लेकिन शैतान सिंह ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मशीन गन के ट्रिगर को रस्सी से बांधा और दुश्मनों पर आखिरी सांस तक फायर करते रहे। इस अदम्य बहादुरी के लिए मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र से नवाजा गया और इस साल के गणतंत्र दिवस की परेड में एक बार फिर से परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी की बहादुरी दिखाई देगी। इस बार कर्तव्य पथ पर मेजर शैतान सिंह की पोती लेफ्टिनेंट डिंपल भाटी गणतंत्र दिवस परेड को लीड करेगी। दरअसल डिंपल सिंह भाटी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सिग्नल रेजिमेंट के जवानों को लीड करने का मौका मिला है। डिंपल डेयर डेविल्स कोर ऑफ सिग्नल के साथ रॉयल इनफील्ड बुलेट पर स्टंट करेंगी। खास बात यह है कि डिंपल सिंह भाटी के दादा मेजर शैतान सिंह के नाम से आज भी चीन खौफ खाता है। मेजर शैतान सिंह के चलते डिंपल के परिवार को विरासत में ही सेना में जाने की प्रेरणा मिली और आज डिंपल अपने दादा की बहादुर विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। अब बात करते हैं मेजर शैतान सिंह की, जिनके नाम से आज भी चीन थर्राता है। 60 साल पहले 18 नवंबर 1962 को भारत चीन के बीच जबरदस्त तनाव था, कुछ इलाकों में लड़ाई जारी थी। पूर्वी लद्दाख के रेजांगला में भी हलचल तेज हो गई। उस समय रेजांगला के पास चुसुल सेक्टर में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान तैनात थे। इनके पास ना तो पर्याप्त गोला बारूद था और ना ही गोलियां। सुबह 4 बजे चीनी सेना के सैकड़ों जवानों ने बंकर पर हमला कर दिया। भारतीय जवानों की कंपनी को लीड कर रहे मेजर शैतान सिंह ने हमले के अंदेशा से पहले ही तैयारी कर रखी थी। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, लेकिन आधे से ज्यादा गोला बारूद खत्म हो चुका था। मेजर शैतान सिंह ने अपने अधिकारियों से वायरलेस पर बात की, गोला बारूद भेजने का आग्रह किया। कमांडर ने उन्हें पीछे हटने को कहा, लेकिन अंतिम फैसला मेजर पर छोड़ दिया गया और मेजर शैतान सिंह ने लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक चीनी सैनिकों को खत्म नहीं कर देंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने तोप, मोटार और गोलियों से हमला शुरू कर दिया। मेजर शैतान सिंह मुकाबला करते रहे, अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उनके हाथ में गोली लगी, इसके बावजूद शैतान सिंह ने गोली चलाना बंद नहीं किया। मशीन गन के ट्रिगर को रस्सी से बांधा और दुश्मनों पर अंतिम सांस तक फायर करते रहे। रेजांगला युद्ध में चीन के करीब 1300 सैनिक मारे गए थे। शैतान सिंह के अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनकी और उनकी कंपनी के अदम्य साहस को सलाम करने के लिए रेजांगला में स्मारक बनाया गया है, जिसे देखकर आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आज भी चीनी सेना मेजर शैतान सिंह के नाम से कांपती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।